अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। दुआ है आप सब जहां भी हों अमनो सलामती से हों, आमीन। हम इंसान दूसरे इंसानों के लिए तो बहुत कुछ करते हैं, लेकिन हम अल्लाह की बेज़ुबान मखलूक के लिए कम ही सोचते हैं। तो आज मैं आपके लिए एक बेज़ुबान की स्टोरी लाई हूं, जो कि कमज़ोर भी है और बेज़ुबान भी है। मैंने इस स्टोरी को कैमरे में रिकॉर्ड इसलिए किया ताकि हम सब इससे कुछ सीख पाएँ और हमें मोटिवेशन मिले। कुछ दिन पहले हमें गली से एक बिल्ली का बच्चा मिला, जो कि बिल्कुल बेहोश पड़ा हुआ था और वो गीला और ज़ख्मी भी था, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। मैंने इसे उठाया और फौरन अपने घर ले आई ताकि मैं इसको कुछ फर्स्ट एड दे सकूं। उस टाइम मेरे पास ग्लव्स भी नहीं थे, लेकिन उसकी हालत देखकर मैं ग्लव्स पहनना भूल गई। ऐसे लग रहा था उसकी डेथ हो रही है, लेकिन उसकी सांसें चल रही थी और उसके पास से स्मेल भी बहुत आ रही थी। जब मैं इसे घर पर लेके आई तो घर में मौजूद कैट्स का कपल इसे देखकर बहुत परेशान हो गए। इन कैट्स का नाम ग्रेसी और कैबी है। ये भी बचपन से ही हमारे पास रह रहे हैं। ज़ख्मी बिल्ली को मैंने नहलाने से पहले थोड़ा सा सिरिंज के ज़रिए दूध पिलाना चाहा, लेकिन वो नहीं पी पाई या बेहोशी की वजह से उससे पिया नहीं गया। अच्छा, तो फिर मैंने इस ज़ख्मी बच्चे को नीम गर्म पानी से नहलाया, वो अभी भी बेहोश ही था। उस वक्त मुझे ग्लव्स तो पहनने चाहिए थे जो कि घर में थे, लेकिन इस बिल्ली के बच्चे की कंडीशन देखकर मैं सब कुछ भूल गई। नहलाने के बाद मैंने इसे हवादार एक बास्केट में रख दिया ताकि कैबी और ग्रेसी इसे नुकसान ना पहुंचाए, क्योंकि ये पहले ही बहुत बुरी कंडीशन में था। नहलाने के कुछ देर बाद मैंने इसको चिकन का नीम गर्म सूप दिया, जो कि मैंने सिरिंज के ज़रिए इसको दिया। तो हम ये देख के बहुत खुश हुए कि ये थोड़ा थोड़ा हिलना शुरू हो गया, और हम ये देखकर हमें बहुत खुशी हुई और हमें लगा कि हमारी मेहनत रंग लाएगी। इसे उस वक़्त बुखार भी बहुत तेज़ था, तो फिर मैंने इसको थोड़ी सी बुखार की मेडिसिन भी दी, तो उसके बाद इसमें थोड़ी बेहतरी आनी शुरू हो गई और ये स्लो स्लो चलने भी शुरू हो गया। शायद वीकनेस थी, इसलिए ये चलते हुए गिर भी जाता था अक्सर। हमने इसका नाम लियो रखा। लियो जब पहली कंडीशन से निकला और कुछ बेहतरी आई थी, तो इस बेचारे के फेस के ऊपर बड़े साइज के पिंपल निकलना शुरू हो गए, जिसे हम लोग गढ़ भी बोलते हैं। और फिर हम इसको दोबारा पेट्स केयर सेंटर में लेकर गए, और अब आगे की स्टोरी बहुत दिलचस्प और मोटिवेशनल स्टोरी है। आप इसे वीडियो में देखिएगा। Thank you.
थैंक्स फॉर वॉचिंग।